एमपी मॉडल क्या खिलेगा, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। जो मॉडल एमपी में अपनाया गया है बीजेपी की तरफ से, क्या उसे भी राजस्थान में अपनाया जाएगा? अब देखिए, केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। माना जा रहा है कि एमपी का जो फॉर्मूला है उसमें शामिल हो सकते हैं। राजपूत जाति से आते हैं, जोधपुर से लगातार दो बार सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन पर भरोसा जताया जा सकता है। अब देखिए, केंद्र सरकार के मंत्री कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, बायतू से विधायक रह चुके हैं और बाड़मेर जैसलमेर से ये सांसद हैं। जाट समुदाय से आते हैं, एक बड़ी पकड़ जाट समुदाय में रखते हैं। दूसरा नाम है स्वामी सुमेधानंद, देखिए सीकर से लगातार दो बार ये सांसद रहे हैं, पिपराली कस्बे में आश्रम में ये रहते हैं, पड़ोसी राज्य हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और जाट समुदाय से ये आते हैं। इनका नाम भी माना जा रहा है कि पहले लिस्ट में संभव हो सकता है इसे भी। सीकर के लगातार देखिए दो बार सांसद रहे, तो ये पूरा फॉर्मूला है जिसे अपनाया जा सकता है। अब आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं तेलंगाना से, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। वो प्यारी सी गुड़िया को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। कुटुंब सभ्युलारा, हाल के वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में भाजपा को मजबूत किया है। आज यहां जो जन सैलाब दिख रहा है उससे मैं आश्वस्त हूं कि तेलंगाना के लोगों ने बदलाव का अपना इरादा पक्का कर लिया है। तेलंगाना बदलाव चाहता है, क्योंकि अब राज्य में भ्रष्टाचार नहीं, पारदर्शी ईमानदार सरकार चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है, क्योंकि अब उसे झूठे वादे नहीं, जमीन पर काम चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है, क्योंकि अब उसे भाजपा सरकार चाहिए। ना प्रियमैना आ चिन्नारिकी आशीर्वादालु पलुकुतू, నా కుటుంబ సభ్యులారా, ఇటీవల కాలంలో ఈ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి లోక్సభ ఎన్నికలు, అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తెలంగాణ ప్రజలు భారీ ఎత్తున బీజేపీని బలపరిచారు. ఈరోజు ఈ ఉత్సాహం ప్రజల్లో చూస్తూ ఉంటే ఈ పాలమూరు ప్రజలు వాళ్ళు కనబడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క ఉత్తేజభరితమైనటువంటి ఆనందాన్ని చూస్తూ ఉంటే తెలంగాణ ప్రజలు ఖచ్చితంగా మార్పు కోసం తమ సంకల్పాన్ని నిర్ణయించుకున్నారనేది నా ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఇది తెలంగాణ మార్పు ఖచ్చితంగా కోరుకుంటా ఉన్నది. కావాల్సింది తెలంగాణ ప్రజలకు అవినీతి రహితమైన ప్రభుత్వం, ఒక పారదర్శకతో అభివృద్ధి ఎజెండాగా పనిచేసేటువంటి ప్రభుత్వం. తెలంగాణ మార్పు కోరుకుంటున్నది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు తప్పుడు వాగ్దానాలతో, మభ్యపెట్టే హామీలతో పనిచేసే ప్రభుత్వం కాదు, క్షేత్రస్థాయిలో చెప్పింది చేసేటువంటి ప్రభుత్వం కావాలి. అందుకనే తెలంగాణ మార్పు కోరుకుంటుంది, అందుకు ప్రజలు కోరుకుంటున్నది. ఆ మార్పు బీజేపీ వల్లనే సాధ్యమని, బీజేపీ వల్లనే అవినీతి రహిత ఒక పారదర్శక ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని చెప్పి. तो तेलंगाना की जनता बदलाव चाहती है, तेलंगाना को बीजेपी सरकार चाहिए। कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना की ये धरती रानी रुद्रमा देवी जैसी वीरांगनाओं की धरती है। कुछ दिन पहले ही देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया है। अब सिर्फ संसद में ही नहीं, बल्कि भारत की हर विधानसभा में
महिलाओं की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।